यूवी का तो मुंह ऐसे ही लटका हुआ होता है, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तुम्हें पता नहीं? नैना, पहले यूवी भैया नैना फ्लावर जी को कम से कम हॉस्पिटल में तो देख लेते थे। पता नहीं यूवी और नैना एक दूसरे को कैसे मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अरे तो पागल हो गया का? अरे एकदम पतंग की बात कर रहा हूँ, सॉरी मेरा मतलब है एकदम पते की बात कर रहा हूँ। देखो आज पतंग के फेस्टिवल का त्योहार है, तो नैना के पापा हर साल ये पतंग के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसी मौके का हम फायदा उठाएंगे। सबसे पहले हमें डॉक्टर रहमान को पटाना होगा। हाँ, पर कैसे? झूठ बोल के, और क्या? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर वो हम जब मिलाने हो दो दिन, डॉक्टर अरमान इज ऑलवेज शामिल। लेकिन सर वो ब्रीफिंग? दैट्स ब्रीफ इनफ, लीव नाउ। पतंग फेस्टिवल, कैसे भी करके रिद्धिमा और सिद्ध को इस पतंग फेस्टिवल में ले जाना पड़ेगा। बस यही एक अपॉर्चुनिटी है दोनों को पास लाने के लिए, पर उन दोनों को इस फेस्टिवल में ले जाने के लिए कन्विंस कौन करेगा? डॉक्टर शशांक। बड़ी अच्छी तैयारी, मजा आ गया। तुम आ गए सबके सब। मेहता तुम नहीं, हम सब। याद है तुमने क्या बोला था? हम सब। I hope तुम बेटर फील कर रहे। ये मत सोचना कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे मैं यहाँ। कैसे हो बेटे रिद्धिमा? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम लोग आए। मैंने इनवाइट किया सबको। मैंने किया पिछले साल सूरत में। बड़ा मजा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। लेकिन तुम लोग यहाँ? हम डॉक्टर शशांक के साथ आए हैं। शशांक? ये वो एक्चुअली आपने कहा था ना कि डॉक्टर शशांक को उनकी फैमिली के साथ आना। तो हम सब उनकी संजीवनी की फैमिली। मैं तो जैसी भी है, मेरे संजीवनी की एक्सटेंडेड फैमिली तो है। अच्छा अच्छा, तो इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? पतंगबाजी तो दिखाइए। पतंग। आओ आओ आओ। नैना, नैना भी उधर ही है। नैना भी है। नैना, अरे अंकल ढूंढ रहे हैं। इनफ रिद्धिमा, इनफ। बात सुनो, सिट सिट, प्लीज रुको। प्लीज रिद्धिमा, प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, मैं तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाती हूँ।
शायद मैं अपने आप को तुम पर थोप रही हूँ। हमारे रिश्ते से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं नहीं जानती थी कि अपने पति की खुशी जाना उसकी जिंदगी में दखल देना होता है। मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हमें बहुत जल्द भागना होगा। लव यू डॉक्टर नैना। आपने संजीवनी को समझ के क्या रखा है? कोई शॉपिंग मॉल जहां जब जी चाह आ गए, जब जी चाह चले गए। आप पूरे एक हफ्ते के बाद संजीवनी में आ रहे हैं और एक हफ्ते की छुट्टी लेने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप किसी को इन्फॉर्म कर दें? मैम वो घर पर पापा। डॉक्टर नैना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे एक्सक्यूजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपके पर्सनल इश्यूज की वजह से यहाँ के पेशेंट्स का इलाज होना बंद नहीं हो जाएगा। अगर आपको घर पर बैठने का इतना ही शौक है तो आप अपना प्रोफेशन बदल लीजिए। मैम पर वो घर पर जो भी रीजन हो डॉक्टर नैना, आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि आप एक लीव एप्लीकेशन छोड़ के चली जाए। मैम नो मोर एक्सक्यूजेस डॉक्टर नैना। और आपकी पनिशमेंट ये कि आपको आज नाइट ड्यूटी देनी होगी, वो भी आईसीयू। वहां दो पेशेंट्स, दोनों की जिम्मेदारी आपकी होगी। दैट्स ऑल। यूवी, फाइनली हम मिल रहे हैं। ओके, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले यहां से भाग चलते हैं, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। नैना, क्या हुआ? यूवी, मुझे डॉक्टर कीर्ति ने आईसीयू में नाइट ड्यूटी दी है। बस इतना ही ना? तो हम जेपी को बोल देंगे, वो तुम्हारी नाइट ड्यूटी कर लेगा। ओके? नहीं यूवी, डॉक्टर कीर्ति पहले ही मुझसे बहुत अपसेट है, और सही भी है। हम डॉक्टर्स हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपने पेशेंट्स की तरफ है। और पापा की वजह से तो मैं इतने दिनों तक हॉस्पिटल भी नहीं आई। मुझे ये ड्यूटी करनी है। हम एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ आईसीयू में ड्यूटी पे चलो, और ड्यूटी जैसी खत्म हो जाएगी तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है? Alright. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना कोई मेरी नैना से सीखे। कुछ भी हो जाए तुम संजीवनी जरूर आओगी। जब भी तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई होती तुम संजीवनी जरूर आती हो। मैंने तुम्हें यहाँ व्रत खोलने के लिए क्यों? अरमान ने मना कर दिया। प्लीज ये पत्नी व्रता होने का नाटक बंद करो और इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि पति पत्नी का नाटक करने से हमारे बीच जो है वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए कल करवा चौथ के नाम पर तुमने मुझे फिर बेवकूफ बनाया। मां
Rajat ma'am, please stop for God's sake. तुम नहीं चाहते सिद्ध ने क्या किया? मैं जानता हूं रिद्धिमा, रिद्धिमा तुम्हें मर उम्मीद नहीं हो सकता। तुमने जितनी कोशिश करनी थी तुम कर चुके। सिद्ध को मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। रिद्धिमा, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट आने के लिए टाइम लगता है। आई नो इस वक्त सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें सिद्ध को एक और मौका देना होगा। प्लीज मत रो। सब ठीक हो जाएगा। मैं भी चीजें ठीक करते करते थक गई हूं। अब कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मेरा अपने पति के घर में रहना उसे इंटरफेरेंस लगता है, और मैं अपनी वजह से सिद्ध को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपने आप को उस पर नहीं थोपना चाहती, और इसीलिए सिद्ध का घर छोड़ आई हूं। मैं जानता हूं तुम। रिद्धिमा नहीं अरमान, इस लेकिन कि अब शायद मेरी और सिद्ध की जिंदगी में कोई जगह नहीं। रिद्धिमा तुम ऐसे हार नहीं मान सकती रे। तुम्हें जानता हूं पूरी कोशिश की है तुमने, और अब सिद्ध की बारी है। उसे समझना होगा कि वो अपने आप को तुमसे दूर करके बहुत गलत कर रहा है, पर इस बार सिद्ध को समझाने के लिए मुझे उसे कॉन्फिडेंस में लेना होगा। कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, उसे ये एक्सेप्ट करना ही होगा।